आमतौर पर हम में से किसी को भी यह नहीं पता होता कि आखिरकार लाफिंग बुद्धा कौन है और आखिर क्यों लोग इनकी मूर्तियां घर में रखते हैं, अपनी कारों में रखते हैं और कुछ लोग इसे अपने ऑफिस में या फिर अपनी दुकानों में भी रखते हैं। तो आखिरकार यह कौन है और इनकी मूर्तियां रखने के पीछे की वजह क्या है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान की प्राप्ति कर ली होती है वह बौद्ध कहलाता है। महात्मा बुद्ध के पूरी दुनिया में बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें से एक शिष्य जापान में रहने वाले होतई थे। कहा जाता है कि जब होतई को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उन्होंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था और उनके जीवन का उद्देश्य लोगों को हंसाना और खुशी देना ही बन गया था। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए होतई ने लोगों में खुशियां बांटना शुरू कर दिया और फिर वे जहां पर भी जाते वहां लोगों को वे हंसाते थे। और इसी तरह जापान और चीन में लोगों ने उन्हें हंसता हुआ बुद्धा कहना शुरू कर दिया, जिसका अंग्रेजी में मतलब लाफिंग बुद्धा होता है। दोस्तों, दुनिया में खुशियां बांटने के होतई के इस उद्देश्य को उनके अनुयायियों ने दुनिया में फैलाया और होतई का इस तरह से प्रचार प्रसार किया कि चीनी लोग उन्हें भगवान मानने लग गए और भगवान की तरह उनकी मूर्तियां अपने घरों में रखने लग गए। इसके अलावा उन्हें गुड लक भी माना जाने लग गया। जिस तरह भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, उसी तरह चीन में लाफिंग बुद्धा को समृद्धि के देवता के रूप में अपना लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि होतई लोगों को कभी प्रवचन नहीं दिया करते थे, वे सिर्फ उन्हें हंसाया करते थे। उनके सानिध्य में लोगों ने दुनिया की तकलीफों को भूलकर खुलकर हंसना सीख लिया। हंसना और हंसाना ही उनका ध्यान और उनकी समाधि थी। उनका ऐसा कहना था कि पूरी सृष्टि ही हंस रही है, लेकिन लोग अपनी तकलीफों में उलझकर रो रहे हैं। होतई के साथ साथ रहकर लोगों ने यह जाना कि बिना किसी कारण भी खुलकर हंसा जा सकता है और शांति का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप जान चुके होंगे कि लाफिंग बुद्धा कौन थे और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। आपके सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।